दोस्तों बिग बॉस 16 के सबसे छोटे और क्यूट कंटेस्टेंट अब्दुल रोजिक को आप सभी ने देख लिया होगा। अब्दुल एक तजाकिस्तानी सिंगर हैं जो पिछले दिनों अपने हिंदी सॉन्ग्स गाने के चलते काफ़ी वायरल हुए थे। और आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता हो कि अब्दुल 18 साल के हैं और एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं जिस कारण उनके शरीर का विकास नहीं हो पाया। हालांकि अब्दुल एक काफ़ी चर्चित नाम है और एक पॉपुलर फेस बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में एक आम आदमी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। चाहे वो अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण लोगों द्वारा मजाक बनना हो या फिर अपनी बीमारी के चलते डेली फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स, कैसे अब्दुल ने अपनी इस वीकनेस को अपनी ताकत बनाया और आज केवल तजाकिस्तान और इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया है। और अब्दुल की इसी कहानी को आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगर, रैपर, बॉक्सर, व्लॉगर, इनफैक्ट ऑलराउंडर अब्दुल राजिक के बारे में। जानेंगे इनके स्ट्रगल की इस कहानी को और इनकी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जहाँ एक तरफ लोग छोटी सी बीमारी के कारण लाचार हो जाते हैं, वहीं अब्दुल ने इतनी बड़ी मेडिकल कंडीशन के बावजूद वो सब हासिल किया है जो एक नॉर्मल इंसान भी कम ही कर पाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। अब्दुल का जन्म 3 सितंबर 2003 को तजाकिस्तान पंजाकेंट के एक गाँव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। अब्दुल जब मात्र 4 साल के थे तभी एक मेडिकल कंडीशन रिकेट्स नाम की बीमारी से डायग्नोस हुए थे, जिस डिसीज़ में बॉडी का बोन डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता और इसी वजह से अब्दुल की हाइट भी तभी से नहीं बढ़ पाई। इनकी हाइट आज 3 फीट 2 इंच है और वेट इनका 15 kgs है। अब्दुल को बचपन में गाने सुनने का काफ़ी शौक था और ये कैसेट्स लाकर सॉन्ग सुना करते थे और फिर धीरे धीरे ये सुनने के साथ साथ गाने गुनगुनाने भी लगे और ये इनकी हॉबी इनके पैशन में बदल गई। जहाँ पर अब्दुल अपने गांव के एक बाज़ार में जाकर लोगों को गाना सुनाया करते थे और लोग भी इनके गाने को और इनके लुक को काफ़ी पसंद किया करते थे। और फिर तभी से ही अब्दुल ने अपने इस छोटे कद को अपनी ताकत बना लिया और आगे सिंगिंग में ही अपना करियर बनाने का सोच लिया। तभी 2019 में अब्दुल को एक सॉन्ग गाने का मौका मिला जो था ओ दिली जोर, जो कि एक तजाकिस्तानी सॉन्ग था और लोगों ने इनके इस गाने को काफ़ी पसंद किया जिससे तजाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो गए। इनका YouTube पर चैनल है अवलोड मीडिया नाम से, जिस पर ये अपने सॉन्ग्स अपलोड करते थे, जिस पर आज 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब्दुल तजाकिस्तान में पॉपुलर होने के बाद दुबई शिफ्ट हो गए। और अब बात करें इस बात की कि अब्दुल इंडिया में कैसे पॉपुलर हुए। दरअसल इन्हें एक हिंदी सॉन्ग गाने के चलते इंडिया में पॉपुलैरिटी मिली थी जो कि था इन्ना सोना सॉन्ग बाय अरिजीत सिंह। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। और इनकी क्यूट सी आवाज ने इंडियंस को काफी इम्प्रेस कर दिया। भले ही अब्दुल को हिंदी नहीं आती, लेकिन ये हिंदी सॉन्ग्स काफी अच्छे से गाते हैं। और हाल ही में कुछ मंथ्स पहले जब दुबई में IIFA 2022 का इवेंट हुआ था, इस इवेंट को अब्दुल रोजिक ने भी अटेंड किया था, जहां पर इनकी काफ़ी इंडियन सेलिब्रिटीज़ के साथ मुलाकात हुई। और सलमान खान के लिए तो अब्दुल ने एक डेडिकेटेड सॉन्ग गाया था जिसके बाद सलमान खान ने इन्हें गले लगा लिया था, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा था। और हाल ही में सलमान खान ने बिग बॉस के इंट्रोड्यूसिंग राउंड में बताया कि अब्दुल ने उनकी हाल ही में आने वाली मूवी किसी का भाई और किसी की जान में भी काम किया है। अब्दुल के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो सलमान और शाहरुख खान इन्हें दोनों ही बहुत पसंद हैं। और बिग बॉस के एक एपिसोड में अब्दुल साजिद खान से अपनी स्ट्रगल की कहानी को शेयर करते भी नज़र आते हैं, जहां वो कहते हैं कि एक टाइम पर उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी और यहां तक कि उनके घर में बारिश का पानी तक टपकता था। और बचपन से ही स्कूल टाइम में मजाक बनते हुए और बॉडी शेम के चलते उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन आज वो काफ़ी स्ट्रगल कर और अपनी मेहनत के दम पर एक बेहतर लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं और जल्दी वो अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर भी बनाएंगे। चलिए अब्दुल, आपकी सारी विश पूरी हो और आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। इसी विश के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अब्दुल रोजिक कैसे लगते हैं और इनकी पर्सनैलिटी आपको बिग बॉस में कितनी पसंद आ रही है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।